कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए आईपीएल 2021 का दूसरा चरण अब सितंबर में आयोजित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई यूएई में इसका आयोजन करेगी। इस खबर पर मुहर शनिवार को होने वाली बोर्ड की विशेष बैठक में लग सकती है। बता दें आपको वैसे खबर में यह भी, इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में नहीं खेल पाएंगे। यह खबर कई टीम के लिए चिंताजनक है क्योंकि कई इंग्लिश खिलाड़ी आईपीएल टीमों का संतुलन बनाते हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स इससे परेशान नहीं है। सीईओ काशी विश्वनाथ का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों का नहीं खेलना उनके लिए चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के खास बातचीत में चेन्नई के सीईओ ने कहा, अगर इंग्लैंड अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम दो अहम खिलाड़ियों को जरूर खोएंगे। हालांकि हमें आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं बताया गया है। बता दें इंग्लैंड टीम की मैनेजिंग डायरेक्टर एश्ले जायल से गुरुवार को कहा था कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। टीम इंडिया की टीम खिलाड़ियों को आराम जरूर देगी लेकिन वह आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। बता दें आपको चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में इंग्लैंड के दो अहम खिलाड़ी खेलते हैं, ऑलराउंडर सेम करन एंड मोइन अली का अहम हिस्सा था। बता दें आपको चेन्नई ने मोइन अली 7 करोड़ और सेम करन को 5.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। चेन्नई ने मोइन अली को अब तक फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें आपको कि खिलाड़ियों ने मोइन अली ने नंबर 3 पोजीशन पर बल्लेबाजी कराई और खिलाड़ी ने 6 मैचों में 157.25 की धमाकेदार स्ट्राइक से रेट 206 रन ठोक दिए हैं। साथ ही अली ने महज 6.16 की इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं, 5 विकेट भी अपने नाम किए हैं। सेम करन ने 7 मैच में 9 विकेट अपने नाम किए हैं। साफ है अगर ये दोनों खिलाड़ी चेन्नई की ओर से नहीं खेलते हैं तो चेन्नई को एक बार फिर से प्लेइंग 11 में माथापच्ची करने पड़ सकती है। दोस्तों आपको वीडियो के अलावा कमेंट्स का जरूर बताएं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो